किसान भाइयों नमस्कार। फव्वारा सिंचाई या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई आपने किया भी होगा और आपके पास ये सेट उपलब्ध भी होगा, क्योंकि ये जो फव्वारा सिंचाई सिस्टम है HDPE पाइप जो रहती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से लगभग सभी स्टेट में सब्सिडी के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन किसान जो है वो जो पाइप रहती है HDPE पाइप का तो बड़ा कमाल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके साथ मिले जो फव्वारा सिस्टम रहती है उसका इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको जो है इंस्टॉलमेंट करना बोझिल होता है, रखरखाव में परेशानी होती है, इसीलिए जो किसान जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता। उसी को ध्यान में रखते हुए BK Packwell कंपनी ने एक ऐसा रेन पाइप सिस्टम का डेवलप किया है जो कि HDPE PVC जो पाइप रहती है गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी मिली रहती है उस पाइप में बड़ा आसानी से अटैचमेंट हो सकता है, और उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रिंकलर के मुकाबले जो है आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। क्या है ये सारा चीज़ हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रिंकलर के मुकाबले कितना हमको फायदा हो सकता है तथा इसका इंस्टॉलमेंट कितना आसान है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेट है ये किस तरीके से रहता है, हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो आप सेट देख रहे हैं इसको मैंने अमेजन से मंगाया था, तो आप इसको अमेजन से प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये दो साइज के मिलता है, जो क्योंकि भारत में जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग साइज के मिल सकते हैं, कहीं पर 25 mm का मिलता है, कहीं पर 19 mm का मिलता है। मेरा वाला जो स्प्रिंकलर सेट है 19 mm का है, तो मैं 19 mm का ऑर्डर किया हूँ, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये वाले जो पैकेट आप देख रहे हैं इसको अमेजन से मैंने मंगाया है, चलिए खोल के देखते हैं कि ये क्या है तथा इसमें किस तरीके से है। ये वाला जो पैकेट है 750 स्क्वायर मीटर को कवर कर सकता है। इसको अगर हम लोग ओपन करके देखते हैं तो इसमें 4 थैले दिख रहे हैं, साथ ही साथ इसमें 4 रेन पाइप मिला है जो कि 100-100 फीट का है, 30-30 मीटर का, और इसके साथ जो है आपको 4 कनेक्टर मिलेगा जो कि आप जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें अटैच कर सकते हैं। आपको इसमें मिलेगा 4 क्लोजर उसको क्लोज करने के लिए लास्ट में, तथा इसमें 2 जॉइंटर के साथ साथ इसमें आपको जो है पंचर किट और इस तरीके से एक आपको मिलेगा, इतने सारा चीज़ इसमें उपलब्ध रहता है। तो फिर चलिए इसको हम लोग फिटिंग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, इसको जो है इंस्टॉलमेंट करना बड़ा आसान होता है, कोई भी आपको टूल्स या फिर कोई मतलब एक्सपीरियंस पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है, आप भी इसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो उसमें टेफ्लॉन टेप या फिर सूती के कपड़े कुछ भी एक ऐसा उसमें लगा दीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और स्प्रिंकलर लोहे का होता है, तो लोहे और प्लास्टिक का जब हम जोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी लीकेज की समस्या रहती है, तो थोड़ा सा आप टेफ्लॉन टेप 1-2 राउंड आप लगा देते हैं तो उससे जो है पानी लीकेज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको टेफ्लॉन टेप को लगा के उसको टाइट कर देना रहता है। उसके बाद ये जो रेन पाइप है, जो इस रेन पाइप को जो है आपको उसमें अटैच करना है, एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो रेन पाइप में जो स्टिकर साइड रहता है स्टिकर साइड को हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे महीन होल रहते हैं जिगजग तरीके से, तो उस होल को जो है आपको ऊपर साइड रखना पड़ता है। ये रेन पाइप की मैं अगर बात करूं तो ये मल्टी लेयर HDPE पाइप से बना हुआ है, ये सालों साल चलने वाला है, क्योंकि इसका सूर्य की जो किरण रहती है सूर्य के प्रकाश से इसको कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये जो सामान्य फीते के मुकाबले ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको पूरी तरीके से खेत में इंस्टॉलमेंट कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये रेन पाइप है ये जो है बड़ा ही फ्लेक्सिबल फोल्डेबल पाइप है, कहने का मतलब इसको जो है आप जैसे भी ऊंच नीच जमीन हुआ कंकड़ पत्थर जैसे भी आपका खेत हो उसमें आप इसको बिछा दीजिए, कहीं पर मुड़े भी रहेगा तो कोई आपके पाइप जो है फटने का कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टी लेयर से बना है, साथ ही साथ जो है ये एकदम फ्लेक्सिबल है। तो भाई हमने इंस्टॉलमेंट कर दिया इसको और इसको जो है चालू भी करके आपने देखा किस तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग जो है कंपेयर करते हैं कि इस स्प्रिंकलर के मुकाबले अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो है स्प्रिंकलर के मुकाबले जो है 8 से लेकर 12 गुना ज़्यादा आप जल्दी सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसमें पानी की बचत 50% से अधिक आप पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है वो किसान के सिवा और कोई नहीं जान सकता। स्प्रिंकलर के मुकाबले जो है इसमें आपको लेके 60 से लेके 80% तक जो इसके पैदावार में आपको वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो हानिकारक कीट रहते हैं जैसे कि सफ़ेद मक्खी हुआ माहू हुआ जो एकदम पत्ते के नीचे नीचे छिपे रहते हैं, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो हानिकारक कीट से भी आप निजात पा सकते हैं, जिससे कि आपको स्प्रे करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो है सर्दी के मौसम में जो पाले की जो समस्या रहती है, आपने देखेंगे कि पूरे पत्ते में पाले जम जाते हैं जिससे फसल पूरा का पूरा फसल चौपट हो जाता है, रेन इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, शाम को आप इसको चालू कर देते हैं, पाले पड़ने की समस्या नहीं लगेगी। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊंच नीच ढालूदार जमीन में भी आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं,
साथ ही साथ इसका एक महत्वपूर्ण फायदा ये रहता है कि रेन इरिगेशन सिस्टम से अगर आप सिंचाई करते हैं तो वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद रहता है वो छोटे छोटे जो फुहारें बनते हैं छोटे छोटे फुहारों में नाइट्रोजन घुल जाता है और वो घुल के जो है पौधे के पत्ती में पड़ता है, बड़े आसानी से जो पौधे को जो है नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसी ही हमारी फसल काफ़ी अच्छे हो जाती है क्योंकि उसको फ्री में वातावरण से जैविक नाइट्रोजन उसको मिल जाता है। साथ ही साथ इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण में एक नमी बनी रहती है, वातावरण में नमी बने रहती है जिससे कि पौधा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। देखिए पौधे को जो है पानी भर के देना सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, पौधे को पानी नहीं चाहिए बस उसको जो है नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो पौधे के डेवलपमेंट के लिए नमी चाहिए, तो रेन इरिगेशन सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ में रहता है कि आप किसको कितना पानी देना। वहीं अगर आप फ्लड का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लड से जो है ये रहती है कि भाई कहीं पर ज़्यादा भर गया कहीं कम भर गया, तो ऊंच नीच जमीन में तकलीफ होती थी, तो ऊंच नीच जमीन में भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, जहाँ पर जितना चाहिए उतना ही पानी ये गिरेगा। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है आप पशु को नहलाने के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा ही रेन की तरह मतलब पानी की तरह इसकी छोटी छोटी बूंदें गिरती है, तो जो आपकी गौशाला होती है गौशाला के ऊपर में आप उसको रख सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो जो है आपको बड़े आसानी से जो है आप इसको अपने दुधारू पशु को नहला सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें एक बेनिफिट नोट किया, क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं जैसे कि हमने क्रॉप डाला स्प्रिंकलर का उपयोग किया तो पौधे एक तो कोमल रहते हैं, स्प्रिंकलर के फुहारे जो रहते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, मतलब कि पौधे को पूरी तरीके से वो पीट देता है ना, उसको पिटाए हुए हो जाते हैं पौधे, तो पौधे ग्रो होने की अपेक्षा धीरे धीरे पौधे डाउन होना चालू हो जाते हैं, कई बार पौधे मर भी जाते हैं। हाँ स्प्रिंकलर का प्रयोग आप रोपाई के 20-25 दिन बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे थोड़ा संभल जा रहते हैं तो कुछ कम नुकसान होता है, लेकिन रेन इरिगेशन सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोपाई के दिन से लेकर जो है आप कटाई के दिन तक जो है आप रेन पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे को आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। रेन पाइप का इस्तेमाल जो है आप ऐसे क्रॉप में कर सकते हैं जिसकी 2 फीट तक हाइट रहती है, जैसे कि अपना लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गया है ना, भाजी वगैरह हो गए, तो इस तरीके से जो क्रॉप रहती है उसमें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो महंगे क्रॉप होते हैं धनिया पत्ती के लिए जो हम लोग लगाते हैं, बेमौसम सब्जियाँ रहती हैं उन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फाइनली मेरे खेत में आप देख रहे हैं इंस्टॉल्ड है और ये जो है मैंने 20-20 फीट के गेप में लगाया है। आप यकीन नहीं करेंगे एक पाइप का जो है प्रेशर लगभग जो है मतलब वो 12 से 13 फीट तक अभी आप देख रहे हैं कवर कर रहा है, मतलब दोनों 12 से 13 फीट तक मतलब 24 से 25 फीट तक अभी पूरी तरीके से कवर कर रहा है और दोनों के जो फवारे हैं वो आपस में मिल जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो कवर कर रहा है, 1 इंच भी नहीं छूट रहा है, हो सके तो ज़्यादा कवर कर दे रहा है ना। तो इसको जो है आप 20-20 फीट के अंतराल में लगाते हैं क्योंकि ये वाला पाइप 20-20 फीट के अंतराल में आता है, 20-20 फीट के अंतराल में आपको लगाना है और आप देख रहे हैं 1 इंच भी नहीं छूट रहा है। अगर मैं ज़मीन को खोद के दिखाऊं तो पूरा लगभग आधे घंटे में जो है ये 6 इंच तक जो है नमी अंदर घुस जाती है। कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छे सिंचाई करना है तो ये वाला सिस्टम जो है फव्वारा के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है। साथ ही साथ में एक फायदे की और मैं अगर बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं 30 मीटर की पाइप है, मतलब कि लगभग 100 फीट की पाइप, अगर मैं इसको इसी तरीके से काले HDPE पाइप लगाता, स्प्रिंकलर सेट लगाता तो मेरे को लगभग 5 इसमें जो है पाइप लगाना पड़ता और 3 स्प्रिंकलर लगाने पड़ते, टोटल जो है मेरा 4 पाइप है 400 फीट का, तो मेरे को 5x20 पाइप लगाने पड़ते और 12 स्प्रिंकलर सेट मेरे को लगाने पड़ते। तो आप सोच सकते हो मेरा खेत जो है मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा अंदर है, तो मेरे खेत में जो है ट्रैक्टर भी नहीं आते क्योंकि हर एक का छोटा छोटा खेत रहता है, सब लोग रास्ता ब्लॉक रखे रहते हैं तो ट्रैक्टर आता जाता नहीं है, तो उसको जो है आप उठा के लाना पड़ता है, तो लेबर की समस्या जो होती थी, लेबर की जो कॉस्ट होती थी उसको लगाने में, लेबर की कॉस्ट लगभग जो है आपको 70-80% तक की बचत होगी। एक चीज़ और इसकी सबसे अच्छी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको लगता है कि ये चोरी हो सकता है रात में, तो आपका काम हुआ इसको फोल्ड कर दीजिए बाइक में लोड करके आप ले जाइए, क्योंकि ये वजन में एकदम हल्का होता है, वजन में बिल्कुल हल्का है, फोल्ड करना बड़ा ही आसान होता है, आसानी से आप जो है एक ही जगह खड़े होकर बड़े आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करिए पैक करिए ले जाइए, सुबह आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आके इंस्टॉलमेंट करिए, तो चोरी होने का जहां पर आपको डर लगता है तो रात में बड़े आसानी से इसको फोल्ड करके आप ले जा सकते हैं। इस तरीके से रहा मेरा ये रेन पाइप सिस्टम जो है स्प्रिंकलर के सेट में कनेक्ट होना, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा कमाल का लगा, BK कंपनी ने बड़ा कमाल का जो है आइडिया लगा के जो रेन पाइप जो कनेक्शन इन्होंने जो बनाया जहां पर हम लोग स्प्रिंकलर कनेक्ट करते थे वहां पे जो इसका कनेक्शन दे दिया, तो उससे बेनिफिट ये हो गया कि जो ये स्प्रिंकलर सेट पड़े रहते थे किसान के पास बेकार पड़ा रहता था उसका सदुपयोग हो गया, साथ ही साथ पानी की बचत हो गई, फसल की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो गया, किसान को उससे और क्या चाहिए। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये रहेगा, जब आप देख भी रहे हैं कि बड़ा ही कमाल का सिस्टम है,
इसको आप इंस्टॉल करिए। अगर आपके पास स्पीकलर और इस तरीके से HDPE पाइप है जो कि गवर्नमेंट के सब्सिडी वाला भी मिल जाता है, तो वो चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये वाला किट आपके काम का हो सकता है। इसको आप अमेजन से ख़रीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके अमेजन में देख सकते हैं और इसको ख़रीद सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पाइप है 25 mm की है या फिर 19 mm की है, उसको आप पहले नाप लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको खरीदिए, उससे कि आपको अलग से और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए साइज का हमेशा ध्यान रखिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करके बताइए। अगर आपने ये वाला सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अन्य किसानों के पास शेयर जरूर करें, ताकि इसका फायदा हर किसान को मिल सके। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।